नमस्कार, एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह। दोस्तों, सभी लोग चाहते हैं कि उनका घर मजबूत, टिकाऊ और इसके साथ साथ सुंदर बने। घर बाहर से सुंदर बने, इसलिए आप घर के सामने की तरफ सुंदर सा खिड़की बनवा लेते हो, छत के ऊपर में पैरापेट वाल का काम कराते हो, उसके साथ साथ सामने की तरफ पोर्टिको और भी बहुत सारा ऐसा काम है जिससे आप करते हो कि आपका घर बाहर से काफ़ी सुंदर दिखे। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि कैसे आप बहुत ही कम पैसा में अपने घर के अंदर में काम करवाइएगा कि आपका घर का लुक है वो कई गुना तक बढ़ जाएगा। कैसे काम करवाना है पूरा आप देखिएगा। बहुत कम में बनने वाला डिजाइन है और यकीन मानिए, अगर आप इस तरीके से काम कराते हैं तो आपका घर का लुक कई गुना तक बढ़ जाएगा और आपके आस पड़ोस का भी जो घर है उससे आपका घर को कई गुना तक एज प्राप्त हो सकता है। जैसे इस घर का ले लीजिए तो यहाँ पे देख सकते हो इस घर का निर्माण है वो किया जा रहा है। ये मेन गेट है, यहाँ से जैसे ही आप घर में एंटर करते हो तो आपको यहाँ पे मिल जाता है हॉल। ये देखिए, ये हॉल है और इसके साथ साथ यहाँ पे आप देखिएगा तो आगे वाला जो एरिया है वो है इस घर के लिए डाइनिंग एरिया। देख सकते हो ये हॉल है और ये है डाइनिंग एरिया। लेकिन जैसे ही घर में आप घुसते हो, हॉल में आते हो, हॉल और डाइनिंग एरिया के बीच में कुछ अंदर में इस तरीके से काम आपको नज़र आता है तो आपका जो नज़रिया है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। आपको ये जो घर है सिंपल के मुकाबले कई गुना तक सुंदर दिखने लगता है। कैसे सुंदर यहाँ पे दिख रहा है आप देख सकते हो, यहाँ पे बना लिया गया है आर्क। देखिए यहाँ से लगभग 8 से 9 इंच के आसपास में सीधे लाया गया है, उसके बाद में 2 स्टेप डिज़ाइन इस तरीके से लिया गया, उसके बाद यहाँ पे आर्क का काम है वो किया गया है, फिर इसी तरीके से 2 स्टेप डिज़ाइन यहाँ पे, उसके बाद फिर यहाँ पे 8 से 9 इंच के आसपास में इस तरीके से आप काम करवा सकते हो। ऐसा क्यों किया गया है देखिए, जब आप घर में अंदर आते हो ये हॉल है और हॉल के डाइनिंग हॉल और डाइनिंग एरिया के बीच में कुछ इस तरीके से अंदर में आपको डिज़ाइन मिलता है, काफ़ी अच्छा अनुभव इसका होता है। और उसके साथ साथ यहाँ पर इसका साइज़ है वो बड़ा है, ये देख सकते हो लगभग 10 से 11 फीट के आसपास में ये चौड़ा है और ज़्यादा अगर एक ही बार में ऐसा आर्क बनाया जाता तो शायद उतना अच्छा यहाँ पे लुक नहीं आ पाता, इसलिए साइड में कुछ इस तरीके से काम यहाँ पे कर दिया गया। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास 7 से 8 फीट का जगह है तो सिर्फ आप इस तरीके से आर्क से भी अपना काम करवा सकते हो। लेकिन यहाँ पर देखिएगा तो ये दोनों जो डिज़ाइन है वो जो इसका साइज बड़ा है उसको लेकर यहाँ पर बनाया गया है। काफ़ी अच्छा अनुभव आप यहाँ पर ले सकते हो। देखिए इस तरीके से यहाँ पर आपको 1 से 2 स्टेप डिज़ाइन लगा लेना है इस तरीका से और आर्क का जो काम है वो यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पे देखिए, अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्चा होगा, ऐसा बात नहीं। देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे आप सिंपल अगर वाल भी करते हो तो उसमें भी आपका इतना दूर का जो ईंट है वो एक्स्ट्रा लगेगा, तो ईंट का पैसा बचाते हुए आपको उसी ईंट का पैसा से इस तरीका से ढलाई करवा लेना जैसे कि यहाँ पे किया गया है और इस तरीका से आप डिज़ाइन बनवा लेते हो। अगर आप चाहो तो इसमें लाइटिंग भी लगवा सकते हो। कैसे लाइट लगवा सकते हो देखिए, जब इसका कास्टिंग करते हो तो पाइप के द्वारा यहाँ पर 2 से 3 आप चाहो तो आर्क के अंदर में 1, फिर बीच में 2, 1 इधर साइड में 3 लाइट अगर लगवा लेते हो तो और भी अच्छा आपको लुक है वो मिल सकता है। आप यहाँ पे इमेजिन कर सकते हो, हालांकि ये बनता हुआ घर है और यही सही समय आप लोगों को दिखाने का कि किस तरीके से काम है वो आपको करवाना है। तो यहाँ पे अगर आप लाइट अगर लगवा लेते हो, स्विच वगैरह नीचे लगवा लेते हो, वो ऑप्शनल रहेगा, जब आपको मर्जी है वो जला ले सकते हो या फिर उसे बंद कर सकते हो। तो आप डिफरेंट कलर का लाइट का प्रयोग करते हो तो आपका जो घर का लुक होगा कई गुना तक बढ़ेगा। हालांकि लाइट नहीं भी लगवाते हो फिर भी ये जो आर्क है आपका घर का जो लुक है अंदर से बढ़ाएगा। आप इमेजिन कीजिए, सिंपल रहता है ये घर, यहाँ पे हॉल है, यहाँ पे डाइनिंग एरिया आगे में, तो एक कैसा लगता, लेकिन सिर्फ आर्क के बदौलत इस घर का लुक कई गुना तक बढ़ चुका है। आपके ऊपर है कि आपको किस तरीके से काम करवाना है। मेरा काम है हर एक तरह का जानकारी देना। जी दोस्तों, हर एक तरह का जानकारी देना, छोटा से लेकर बड़ा बनता हुआ घर को आप लोग को दिखाना, कैसे काम किया जा रहा है उसके बारे में बताना, ताकि आप लोग को और भी ज़्यादा अपने बनने वाले घर के लिए आइडिया मिल सके। तो देखिए इस घर में यहाँ से आप एंटर करते हो, आपको मिल जाता है हॉल और उसके साथ थोड़ा और आगे आते हो तो यहाँ पे आपको मिल जाता है ये डाइनिंग एरिया है, देख सकते हो। दोनों के बीच में ये आर्क बना लेने से इस घर का लुक कई गुना तक बढ़ चुका है। आप देख सकते हो जैसे जैसे काम आगे की तरफ बढ़ेगा वैसे वैसे मैं आप लोग के लिए वीडियो लाऊंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस घर का वॉक थ्रू, कंस्ट्रक्शन को उसका वीडियो, किचन का वॉक थ्रू और इसके साथ साथ सीढ़ी का वीडियो भी बहुत ही जल्द आने वाला है, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।